हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे तमिल मूवी साइको के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है मिस्किन ने और इसे लिखा भी है मिस्किन ने, लेकिन कहानी से मिस्किन सर इंस्पायर्ड है। हम पहले उस कहानी को जानेंगे कि उस कहानी में क्या कुछ हुआ था और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी, उसके बाद मैं आपको इस मूवी का रिव्यू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो कहानी है अंगुली माल की। अब ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी और सब लोगों का जो तरीका बताने का वो अलग अलग है, लेकिन जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो सेम है। मैं आपको मेरी तरफ से अंगुली माल की कहानी बताता हूँ। तो अंगुली माल की कहानी शुरू होती है गांव से, जहाँ के लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते थे। लेकिन उस गांव में एक अंगुली माल नाम का एक राक्षस था, यानी कि वो एक इंसान ही था, मन वो ऐसा इंसान था कि वो लोगों को मारता था, मार के उनकी उंगली काट के गले में हार बना के पहन लेता था। अब उस अंगुली माल का इतना ज्यादा खौफ था कि लोग शाम को घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। अब वो खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक दिन वहां के कुछ लोग मंदिर में जाके भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगे कि हमें अंगुली माल से बचा लो। तो इतने में भगवान बुद्ध प्रकट होते हैं। अब प्रकट होने के बाद उनको सिर्फ इतना बोलते कि मैं तुमको बहुत जल्द अंगुली माल से छुटकारा दिला दूंगा। तो एक दिन रात के टाइम भगवान बुद्ध जंगल की तरफ जाते हैं, जहां पर अंगुली माल लोगों को पकड़ता था और मारता था। तो इतने में अंगुली माल भगवान बुद्ध को देख लेता उनकी तरफ आते हुए, और इतने में अंगुली माल उनकी तरफ भागता है उनको मारने के लिए, लेकिन भगवान उसे देखे बिना नजरअंदाज करते और उसके सामने से चले जाते। ये देखकर अंगुली माल और भी ज्यादा गुस्से में आया था और वो भगवान बुद्ध को रोकता है, बोलता कि सब लोग मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ही शक्तिशाली इंसान हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भगवान बुद्ध बोलते कि मैं कैसे मानूं कि तुम बहुत शक्तिशाली इंसान हो। अंगुली माल बोलता कि तुम जो बोलोगे मैं करके दिखा दूंगा। तो भगवान बुद्ध बोलते कि ठीक है, वो जो पेड़ तुम्हें दिख रहा है उस पेड़ पे जितने भी पत्ते हैं उसमें से कुछ पत्ते तोड़कर लेके आ जाओ। तो अंगुली माल बोलता अगर मैं ये कर दूंगा तो तुम मान जाओगे मैं शक्तिशाली हूँ। तो भगवान बुद्ध बोलते हाँ मैं मान जाऊंगा। तो अंगुली माल उस पेड़ पर जाता है, वहां के कुछ पत्ते तोड़कर लेके आ जाता है और भगवान बुद्ध को बताता है देखो मैंने कर दिखाया। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, मैं कैसे मान लूं कि तुम शक्तिशाली हो, तुम एक काम करो ये पत्तों को लेके जाके फिर से उस पेड़ पे जाके जोड़ दो। तो अंगुली माल बोलता है कि एक बार जो चीज तोड़ देते तो उसे वापस से नहीं जोड़ सकते। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जब तुम किसी चीज को तोड़ के दोबारा जोड़ नहीं सकते, ऐसे तुम्हें कोई भी हक नहीं, जब तुम किसी इंसान को जिंदा नहीं कर सकते तुमसे मारने का भी हक नहीं है। ये बात सुन के अंगुली माल बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसी दिन से वो भगवान बुद्ध की शरण में आ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोगों को मारना भी बंद कर देता है और उस गांव के लोगों की भी वो सेवा करना शुरू कर देता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर किसी बुरे इंसान को अगर अच्छी तरह से तालीम दी जाए, उसको अच्छी तरीके से टीच किया जाए, तो वो बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। तो कुछ इसी कहानी से इंस्पायर है हमारे राइटर और डायरेक्टर मिस्किन सर। अब मैं आपको बताता हूं इसकी स्टार कास्ट इस मूवी की और उसके बाद मैं इसकी कहानी बताऊंगा। तो इस मूवी में हमें नजर आते उदयनिधि स्टालिन, आदित्य राव, हैदरी, नित्या मेनन, डायरेक्टर राम और राजकुमार पिच्चूमिनी। इसे म्यूजिक दिया इल्लैयाराजा सर ने। अब इल्लैयाराजा सर की बात करूं तो वो एक लेजेंड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री है, मैं तो बोलूंगा उनकी जैसा म्यूजिक मैंने कभी किसी की सुना नहीं, और वो मेरे लिए पर्सनली वो मेरे फेवरेट है इल्लैयाराजा सर, और मैं उनकी कितनी तारीफ करूं वो कम है। उसके अलावा इसके जो डायरेक्टर है वो है मिस्किन। मिस्किन सर का जो पिक्चर बनाने का तरीका है वो अलग है, और की जो फिल्म है इनकी जो ऑडियंस है वो अलग ही लेवल की है, और इनके ऑडियंस को पता होगा कि मिस्किन सर का लेवल क्या है फिल्म बनाने का। उसके अलावा ये एक साइकोलॉजी के थ्रिलर फिल्म है। उनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ब्रूटली मर्डर से, यानी कि जो हमारा सीरियल किलर है वो एक लेडी की गर्दन काट देता है। वो इतनी बेरहमी से गर्दन काटता है कि शायद आप लोग देख भी नहीं पाओगे, और वो उसकी गर्दन काट के डीप फ्रीजर में रख देता है, और तभी हमें पता चलता है कि ये उसका पहला मर्डर नहीं था, उसने इससे भी पहले कई और मर्डर्स का करीब 13-14, क्योंकि जब वो डीप फ्रीजर का दरवाजा खोलता है तो उसमें 13-14 लड़कियों की गर्दन होती है। और खैर नेक्स्ट सीन में हमें बताया था आदित्य राव हैदरी, जिसका नाम है इस मूवी में दागिनी, वो एक आरजे है और उससे प्यार करता है गौतम, यानी कि उदयनिधि स्टालिन। वो उदयनिधि स्टालिन की बात करें तो वो आंखों से अंधा है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है। वो डागिनी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो हमेशा अपने प्यार का इजहार डागिनी से करता है, लेकिन डागिनी कभी भी उसके प्यार को सीरियसली लेती नहीं, लेकिन धीरे धीरे डागिनी को भी गौतम से प्यार होने लगता है। और फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और कैसा सीरियल किलर की एंट्री होती है और क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है साइको। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में मुझे क्या कुछ लगा। देखिए इस मूवी में जो सबसे अच्छा चीज लगी वो है इसकी कहानी। भले ये मूवी बहुत स्लोली 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 आगे बढ़ती, लेकिन जो इसका एंड है वो काफी हद तक दूसरी साइकोलॉजी के थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल हटके और अलग है। और जैसा कि मैंने आपको अंगुली माल की कहानी बताया तो उसी कहानी से इंस्पायर की गई इस फिल्म को। तो आप उस कहानी में जो मैसेज था, जो मॉरल मिला, तो आपको इस फिल्म के एंडिंग में भी उसी तरह से एक मॉरल ऑफ द स्टोरी देखने को मिलेगी। और कुछ हद तक मैं बोलूंगा तो इस मूवी में आपको मिस्किन सर जिस तरह से फिल्म डायरेक्ट करते हैं वो आपको पूरा का पूरा महसूस होगा, और
कहीं ना कहीं ये एक अलग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी। मैं मानता हूँ कि इसका फर्स्ट हाफ काफी स्लो है, लेकिन सेकेंड हाफ इसका बहुत जबरदस्त है। फिल्म जिस तरह से आगे बढ़ती है बहुत अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी मैं बोलूंगा बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि जितने भी चाहे वो खून हो, जमीन पे पड़ा हुआ खून हो या मर्डर हो, जिसको एक अलग तरह से पिक्चराइज किया है जो कि एक अलग ही लेवल लगा मुझे। और कुल मिला के परफॉर्मेंस की बात करो तो आदित्य राव हैदरी बहुत ही शानदार लगती है, जितने भी उनके सीन से बहुत अच्छे लगते हैं। नित्या मेनन की बात करो तो जिस तरह से वो इस फिल्म में एंटर करती है, जब उनका एंट्री सीन होता है वहां से कुछ ऐसा लगता है कि यार वाकई में अब कुछ होगा। और मेन मैं तो बोलता हूँ फिल्म के जो पिकअप है वहीं से शुरू होता है, और उनका रोल भी कुछ अलग हटके है, बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा स्टेलिन की बात करूँ तो स्टेलिन ने ब्लाइंडमैन का रोल बहुत अच्छा किया, मेरे हिसाब से पर्सनली उनका काम भी देखने लायक है इस फिल्म में। उसके अलावा अगर मैं इसके जो मेन सीरियल के लिए यानी कि राजकुमार पिच्चूमणि की बात करूँ तो उनकी सिर्फ इतना करूंगा तारीफ में कि एक क्यूट चेहरा और साथ साथ खतरनाक भी, तो क्यूट और खतरनाक का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलकर एक ऐसा सीरियल किलर जो आपने किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा, तो उनका भी काम कुछ अलग हटके लगता है। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस वाइज कोई भी आपको निराश नहीं करता है। और म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक इस फिल्म की जान है। जिस तरह से इलैयाराजा सर ने जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिए, वो इमोशनल म्यूजिक हो या एक डर की म्यूजिक हो, मतलब इलैयाराजा सर ने इस फिल्म को एक अलग ही तरह से एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया उनकी म्यूजिक के थ्रू। और ये फिल्म अधूरी होगी अगर इलैयाराजा सर की बात नहीं करूंगा तो। और डायरेक्शन की बात करूं तो मिस्किन सर ने एज यूजुअल उनका जो तरीका डायरेक्ट करने का बिल्कुल उसी तरह से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो कुल मिला के ये उन ऑडियंस के लिए है जो एक अलग तरीके का सिनेमा देखना चाहते हैं, एक अलग तरीके की फिल्म देखना चाहते हैं। और अगर साइकोलॉजी थ्रिलर उनको पसंद है तो ये फिल्म भी उनको कुछ अलग हटके जरूर लगेगी। ये फिल्म दूसरे साइकोलॉजी के थ्रिलर फिल्मों की तरह नहीं लगेगी, मैं आपको पहले बता दूं। इसका जो बनाने का जो तरीका वो बिल्कुल 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 अलग है। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म को अगर मैं रेटिंग देना चाहूंगा तो मैं इसे 5 में से 3.5 दूंगा, 1.5 स्टार। सिर्फ इसकी जो स्टार्टिंग जो इतनी स्लो स्लो आगे बढ़ती है बस उसको मैं 1.5 स्टार दूंगा। और कुछ ऐसी चीजें जो इसमें आराम से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आपको अंगुली माल के बारे में पता है तो। तो बस मेरे हिसाब से ये मूवी अगर आप इस हफ्ते देखना चाहते हो तो आप जरूर देखना। ये मूवी की आपको सीडी भी मिल जाएगी बाहर, अगर आप स्टोर पे सर्च करोगे तो सीडी मिल जाएगी विद इंग्लिश सबटाइटल, अदरवाइज ये आपको कई डाउनलोडिंग साइट्स पर मिल जाएगी। अगर आप लोग डाउनलोड करना आते तो आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इस फिल्म को देखना तो आपको कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, ये आपको डीवीडी खरीद के देखना पड़ेगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये फिल्म एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, और इस तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। और हाँ, मैं मानता हूं कि कोई भी वीडियो परफेक्ट नहीं होती, तो इसमें भी कुछ खामियां जरूर होगी। अगर आपको कुछ भी खामियां लगी तो मुझे बेशक होकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा हमेशा से इम्प्रूवमेंट करने की। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूं राशि शेख।